नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो गुरु उज्ज्वला और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा पर बन रहे चार राजयोग के बारे में और उनके शुभ मुहूर्त के बारे में, जिससे आप कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में पूजा और जिससे आपको मिलेगी हर काम में सफलता। दर्शकों, गुरु पूर्णिमा इस साल 13 जुलाई 2022 बुधवार को मनाई जाएगी। यह आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास जी की जयंती मनाई जाती है और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना गया है। उन्होंने मानव जाति को वेदों का ज्ञान दिया था। इसके अलावा वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा और उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर इस बार चार राजयोग हैं। गुरु पूर्णिमा का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही ज्योतिषीय महत्व भी है और इस बार गुरु पूर्णिमा और भी ज्यादा इस नज़र से खास हो गई है। इस गुरु पूर्णिमा पर ग्रहों की स्थितियां बेहद शुभ हैं। गुरु पूर्णिमा 2022 के दिन मंगल, बुध, गुरु और शनि बेहद ही शुभ स्थिति में रहेंगे, जिससे गुरु पूर्णिमा पर रूचक, भद्र, हंस और शश नाम के चार राजयोग बन रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध के एक ही राशि में रहने से बुधादित्य योग भी रहेगा। कुल मिलाकर गुरु पूर्णिमा के दिन किए गए पूजा उपाय बेहद ही शुभ फल देंगे। अब चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई की सुबह 4 बजे से शुरू होगी और 13 जुलाई की देर रात 12:06 तक रहेगी। इस तरह पूरे दिन गुरु की पूजा करने और ज्योतिष उपाय करने के लिए मुहूर्त शुभ रहेगा। अब चलिए जानते हैं पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने घर के मंदिर में ही देवी देवताओं की पूजा करें। भगवान विष्णु और वेद व्यास जी की पूजा अर्चना जरूर करें। फिर अपने गुरु का तिलक करें और उन्हें माला पहनाएं। हो सके तो पीले रंग की माला पहनाएं। यदि गुरु का मिलना संभव ना हो तो उनका आशीर्वाद लें और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट देकर उनका सम्मान करें। दर्शकों, हम समय समय पर आपको आने वाले व्रत त्योहार से परिचित कराते रहते हैं। ज्योतिष और वास्तु से जुड़े रहने के लिए और पुरानी कथाओं को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वैदिक टीवी।